दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह गौतम को लेकर हुए विवाद का असर गुजरात तक देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के विवादास्पद बयान पर विवाद छिड़ गया है। इसे लेकर गुजरात के राजकोट और दूसरे कई शहरों में आम आदमी पार्टी के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में केजरीवाल टोपी में दिख रहे हैं। पोस्टर के जरिए केजरीवाल को हिंदू धर्म विरोधी बताने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही पोस्टर में केजरीवाल पर हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगाया गया है। गुजरात में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये जमकर विरोध किया गया। और गुजरात के दूसरे शहरों में भी पोस्टर लगे हैं और ये पहली दफा नहीं है जब आम आदमी पार्टी को लेकर कुछ गुस्सा हो। अब ये देखिए, बकायदा एक पोस्टर के जरिए अरविंद केजरीवाल पर वहां पे, यानी गुजरात में जहां आम आदमी पार्टी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश में है, वहां एक पोस्टर बकायदा लगाया गया है और सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री का कथित विवादित वीडियो सामने आया था, उस वीडियो में धर्मांतरण की बात की गई थी। इसके बाद राजकोट के लोगों में भी आक्रोश देखा गया है। आज राजकोट के प्रमुख मार्गों पे आम आदमी पार्टी के खिलाफ बैनर लगाए हुए हैं। ये बैनर में साफ साफ लिखा है कि आम आदमी पार्टी है वो हिंदू विरोधी है, केजरीवाल सरकार है वो हिंदू विरोधी है। राजकोट शहर के प्रमुख मार्ग जैसे कि किसानपरा चौक, टागोर रोड समेत कई प्रमुख मार्ग है, उसमें ये बैनर लगाए गए हुए हैं। ये बैनर यहाँ जो मार्ग है, प्रमुख मार्ग, यहीं से कई लोग गुजरते हैं और ये सब लोगों की नज़र ये बैनर पे पड़ी रहती है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी जनक भी जुड़ गए हैं। जनक, राजकोट के अलावा कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर इस तरह के पोस्टर देखने को मिल रहे हैं? और साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो पूरा विवाद है ये है क्या, इसके मायने क्या है, इस पोस्टर के मायने क्या है? देखिए रीमा, आपके दो सवालों को अगर पहले सवाल को सवाल के जवाब मैं दूं तो दरअसल राजकोट में सबसे ज़्यादा ये पोस्टर्स लगाए गए हैं और दूसरा वडोदरा में। वडोदरा में इसलिए भी खास रीमा, चूँकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर हैं और भगवंत मान भी यहाँ पर हैं और आज उनका वहाँ पर रोड शो होना है और उसी समय पर उनकर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। हिंदू हितरक्षक समिति कर्णावती के नाम से ये पोस्टर्स हैं, लेकिन किसने लगाए और कब लगाए इसकी जानकारी अब तक न पुलिस को, चूँकि इसका आधिकारिक कोई मामला इस तरह दर्ज नहीं हुआ। पर दरअसल मामला उस धर्मांतरण रॉ से जोड़ के देखा जा रहा है, जो दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार में जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने, उनका जो वीडियो सामने आया धर्मांतरण को लेकर और ये जो मुद्दा था उसको लेकर आज पूरे गुजरात के खासतौर पर राजकोट और वडोदरा में काले पोस्टर्स लगाए गए हैं और उसमें केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल को बाकायदा हिंदू विरोधी छवि के तौर पर उनको दिखा गया कि मैं हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखता, हिंदू धर्म की जो आस्था में सीधी चोट पहुंचाने की बात है, एक लिहाज से सीधा कहें कि अपमान की बात है। ये सारी बातों को रखते हुए आज ये वडोदरा और राजकोट में ये पोस्टर्स लगाए गए हैं और आज भगवंत मान और केजरीवाल दोनों यहां पर हैं, तो ऐसे में ये जो पोस्टर लगना है, जाहिर सी बात है पोल बाउंड स्टेट है, अगले महीने या डेढ़ महीने में यहां पर चुनाव होंगे, तो जाहिर से अब ये पूरा मुद्दा है उसका विवाद अभी से गर्माता जा रहा है। जनक, हम आपके पास लौटेंगे, फिलहाल शुक्रिया। बड़े मायने हैं इसके और ये मायने हैं कि गुजरात सियासी प्रदेश है, चुनावी प्रदेश है और वहां पे इस तरीके की बातें होती है, तो आने वाले दिन में बहुत कुछ देखना बाकी है अभी। और अब आपको वो वजह दिखाते हैं जिस वजह से केजरीवाल के खिलाफ गुजरात में ये पोस्टर लगे हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने विवादास्पद बयान दिया था जिसके बाद वो घिरते हुए नजर आए और बीजेपी ने आरोप लगाया था और इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया था। बीजेपी ने आरोप ये लगाया था कि राजेंद्र पाल गौतम ने 10,000 लोगों के बीच शपथ ली थी कि हिंदू देवी देवताओं को ईश्वर न माने। इस वीडियो को जारी कर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताया है और यही वजह है कि एक जो पोस्टर लगा है उस पोस्टर का हम जिक्र कर रहे हैं आपके सामने। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा, और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ऐसे नहीं खड़ी होती